अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। सर, आता ही होगा वो। अपने अपने पोजीशंस ले लो, मगर संभल के, गन्स हो सकती है उनके पास। चिंता मत करिए सर, उन्हें ड्रग्स के साथ रंगे हाथ पकड़ लेंगे। हाँ चलो, लेट्स गो। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, पैकेट लाए हो? हाँ, ये लो। गोली मत चलाना प्लीज, मैं सरेंडर कर रहा हूं। गन नीचे रखो, नीचे रखो गन, गन नीचे। सब बता रहा हूं। विनीत, तुम? हाँ सर, मैं। लेकिन आप लोग यहाँ? सर अभी ये जिंदा है, हॉस्पिटल ले चलो जल्दी। संभल। मैं पूछता हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं तो अपने दोस्त का बैग पहुँचाने यहाँ आया। मालूम है इस बैग में क्या है? हाँ, ड्रग्स है, ड्रग्स, ड्रग्स है इस बैग में। ड्रग्स? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इस ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता। विनीत, हमें पता चल गया था कि यहाँ पर एक ड्रग डील होने वाली है, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि एक CID ऑफिसर विनीत ये ड्रग डील करने वाला था। सर मैं सच कह रहा हूँ, इस ड्रग डील से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं था तो तुमने उस पर गोली क्यों चलाई? वो इसी पी सर पर गोली चलाने वाला था, इसलिए मजबूरी में मुझे उस पर गोली चलानी पड़ी। सर झूठ बोल रहे हो तुम विनीत, झूठ बोल रहे हो। वो हमें सच बताने वाला था, लेकिन उसका मुंह बंद करने के लिए तुमने उस पर गोली चलाई। सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ नहीं पता ये क्या हो रहा है। मैं तो सिर्फ अपने दोस्त हितेश का बैग पहुंचाने आया है। हितेश? कहाँ ये तुम्हारा दोस्त हितेश? सर उसकी तबीयत खराब थी, मैं उसे डॉक्टर के पास छोड़कर आया। चलो दिखा, कौन से डॉक्टर के पास लेकर गए थे? चलो क्लिनिक है ना जहां पर तुम हितेश को लेकर आए, लेकिन इस क्लिनिक की हालत देखी, पता नहीं कितने महीनों से या वर्षों से बंद पड़ा है ये क्लिनिक। विनीत, अब तो सच बोलो, बात क्या है? हा? तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? सर मैं हितेश को यहीं लेकर आया था, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ये सब कैसे। विनीत, जो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है ना, वो हमारी समझ में आ गया। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ। सर आपको लगता है कि मैं ड्रग पेडलिंग करता हूँ? मैं गैर कानूनी काम करता हूँ सर। हाँ विनीत, तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो। तुम्हारे पास हमें ड्रग्स मिले, गवाह पर तुमने गोली चलाई, तुम्हारा दोस्त हितेश जिसे तुम कह रहे हो तुम यहाँ पर लेकर आए क्लिनिक में, वो भी गायब है। देखो विनीत,
अगर बात कुछ और है तो तुम हमसे बता सकते हो, क्योंकि तुम अपने लिए मुसीबत बढ़ा रहे हो। मेरा यकीन कीजिए सर, मैं हितेश को यही लेकर आया था। यहाँ पर बहुत भीड़ थी, उसका नंबर आने में वक्त था, इसलिए उसका पैकेट डिलीवर करने मैं चला गया। झूठ, झूठ बोल रहे हो तुम विनीत। सर, मैंने आस पड़ोस में पूछताछ की, ये क्लिनिक पिछले 2 साल से बंद है। क्या? दया सर, ले चलो इसे। ये गेम खेलने में बहुत मजा आया, उस चूजे को पिंजरे में तड़पता देखकर कलेजे को ठंडक पहुंची। प्लान 1 हो गया है पार, दुश्मन गया है हार। सारी बातों का साथ कामयाबी का नशा कुछ और ही होता है मेरे यार। अब होगा आखिरी बार, प्लान नंबर 2। सही कहा मेरे यार, प्लान 2। ड्रग्स से तुम्हारे हाथों में, समझे? रंगे हाथ पकड़े गए हो तुम, और हम सबके सामने तुमने उस आदमी पर गोली चलाई, तो कैसे विश्वास करे तुम पर? और क्यों विश्वास करे? सर, मैंने उस आदमी पर गोली चलाई क्योंकि वो आप पर गोली चलाने वाला था। अच्छा, सुना? मेरी जान बचाने वाला था ये, हम सब ने देखा है, समझे? वो आदमी सच्चाई बताने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोले, तुमने हम सबके सामने उस पर गोली चलाई, उसका मुंह बंद कर दिया तुमने। इस वक्त तो कोमा में है, कुछ भी नहीं बता सकता। सर, आपने जो देखा वो सच है, लेकिन आप जो समझ रहे हैं वो सही नहीं है। सर, मैं और ड्रग पेडलिंग। सर, आप तो मेरी बात का विश्वास कीजिए। आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? कैसे विनीत, कैसे विश्वास करें? तुम्हारी बात का यकीन करने के लिए हम तुम्हारे साथ वहां उस क्लिनिक में गए, पर वहां जाके देखा तो क्या मिला? हाँ, सन्नाटा और धूल। सीआईडी की आंख में धूल झोंकने की कोशिश मत करो विनीत, बेहतर होगा अपना जुर्म कबूल कर लो। लानत है तुम पर, लानत है। एक सीआईडी ऑफिसर और ड्रग पेडलर। सर मैं सच कह रहा हूं सर, 4 दिन से हितेश मेरे साथ मेरे घर पर रुका हुआ था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी सर, इसलिए वो मेरे घर पर आ गया। सर, मैं जानता हूं कि हितेश एक बहुत अच्छा इंसान है। सर, वो अचानक से गायब हो गया, मुझे तो लगता है उसकी जान को खतरा है। उसकी जान को खतरा नहीं विनीत, तुम्हारी नौकरी को खतरा है। सर, you are suspended. सर नहीं सर, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका दीजिए सर। सर प्लीज, मुझे सच में लगता है कि हितेश को कुछ हो गया है, वरना वो अपने आप यहाँ पर आ जाता। सर, एक बार मेरे साथ मेरे घर चलिए, शायद हितेश घर पर ही हो। सर, ठीक है, एक और मौका देता हूं। गुनहगार भले ही छूट जाए, पर बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। आइए सर। आइए सर। सर, मैं हमेशा चाहता था कि आप लोग मेरे घर आए, लेकिन कभी सोचा नहीं था इन हालात में आना पड़ेगा। हितेश कहाँ है? बुलाता हूँ सर। हितेश, 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 हितेश। सर, यही तो था उसका सामान। हितेश भी गायब है, उसका सामान भी। विनीत, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारा दोस्त हितेश एक चालबाज आदमी है, तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। हितेश मेरे बचपन का दोस्त है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, भला वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? सर मेरा विश्वास कीजिए, हितेश यहीं पर था। सर, मुझे लगता है कि वो किसी मुसीबत में है। सर, मुसीबत में तो तुम हो विनीत, तुम समझे?
सर मेरा यकीन कीजिए सर, इस ड्रग डीलिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर, प्लीज विश्वास कीजिए मुझ पर। कैसे विश्वास करें तुम पर? दो दो मौके दिए तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, मगर कुछ भी नहीं। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा तुम्हारा, समझे? सर मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? क्या हुआ है? अब दया, मैंने तुमसे पूछा क्या हुआ, कुछ देखा तुमने, कुछ मिला? सर वो क्या? बैठ के चाहिए सिरिंज था सर। इसमें तो ड्रग जैसा कुछ है। क्या ये? क्या ये? ड्रग्स की पेडलिंग भी करते हो, ऊपर से ड्रग्स खुद भी लेते हो? सर मैं ड्रग्स नहीं लेता हूं, मुझे नहीं मालूम ये सिरिंज यहां कहां से आया। मेरा विश्वास कीजिए सर, ये सब मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है सर। विनीत, एक झूठ को छुपाने के लिए और कितना झूठ बोलोगे? और तुम्हारा ये दोस्त हितेश, ये सब मनगढ़ंत कहानी है, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। झूठ नहीं बोल रहा सर, मेरी बात वरुण सर, एक सेकंड बताओ सर को कि मैं सच बोल रहा हूं, हितेश मेरा दोस्त था, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूं, बताओ सर को प्लीज। यस सर, हितेश हमारा दोस्त है सर। तुम कौन हो? सर मैं वरुण, विनीत का दोस्त, इसी बिल्डिंग में रहता हूँ ऊपर। हितेश को कैसे जानते हो तुम? सर मैं, हितेश और विनीत हम बचपन के दोस्त हैं सर, हम दोनों मुंबई आ गए और हितेश अपनी जॉब की वजह से नागपुर में ही सेटल हो गया। थैंक्स वरुण। सर अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं सच बोल रहा हूँ, हितेश मेरा दोस्त है, वो यहाँ आकर मेरे साथ ठहरा हुआ था, मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया था और मैं एक मिनट हितेश यहाँ पे आया हुआ था कब? और तूने मुझे बताया भी नहीं। क्या तुम हितेश से नहीं मिले? नहीं सर, मुझे तो मालूम भी नहीं कि हितेश मुंबई आया हुआ था। विनीत, डूबते को तिनके का सहारा होता है, तुम्हें तो उसी तिनके ने डुबा दिया। सर मुझे नहीं पता है सब, सब चलो। क्या हुआ सर उनके? एक मिनट बस। और कितनी देर इंतजार करवाएगा तू? बॉस इस सिरिंज पर जो खून है वो विनीत का ही है। क्यों विनीत? सिरिंज में तुम्हारा खून आया कैसे? सर मुझे नहीं पता, मैंने कभी ये सिरिंज यूज ही नहीं किया। एक बात और बस। क्या? तुम्हारा शक एकदम सही निकला। सर के वक्त बर्बाद मत कर, जल्दी बता दे। इस सीरीज में हमें ड्रग्स के ट्रेसेस भी मिले। ड्रग्स? हाँ ड्रग्स। क्यों विनीत? तुम ड्रग्स लेने के लिए इंजेक्शन इस्तेमाल करते हो क्यों? सर आप तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया सर, मेरे यकीन कीजिए मैं सच बोल रहा हूँ सर। ये फोरेंसिक का रिपोर्ट है और फोरेंसिक का रिपोर्ट कभी झूठ नहीं होता, समझे? सर कोई कंफ्यूजन है सर, जब मैंने कभी ड्रग्स लिया ही नहीं, सिरिंज को कभी देखा ही नहीं, तो इसमें उस सिरिंज में तुम्हारा खून कहां से आया? उस खून में ड्रग्स कहां से आए? क्या सर के झूठ बोल रहा है? सर मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन विनीत तुम हेलीपैड पर रंगे हाथों पकड़े गए ड्रग्स के साथ, क्या हम तुम्हें जानबूझकर फंसा रहे? नहीं सर आप ऐसा क्यों करेंगे, लेकिन तो फिर बताओ क्यों गए थे ड्रग डील करने के लिए हेलीपैड पर, और कौन था वो आदमी जिसे तुमने गोली मारी? मेरा यकीन कीजिए सर, इस सीरीज में मेरा खून कैसे आया, खून में ड्रग कहां से आया और वो आदमी कौन था, मुझे कुछ भी नहीं पता सर। बॉस मुझे मालूम है वो एनवेलप वाला आदमी कौन था।
कौन है सर वो? ड्रग डीलर हरी। ड्रग डीलर? ड्रग डीलर हरी? मगर वो तो अभी अभी बेल पर छूटा है। हाँ, मैंने उसके फिंगरप्रिंट्स क्रिमिनल रिकॉर्ड में फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करके देखे बॉस, वो एनवेलप वाला आदमी हरी ही था। मतलब विनीत, तुम इस हरी के साथ मिले हुए हो? सर, मेरा उस हरी के साथ कोई संबंध नहीं, मैं उसे जानता भी नहीं कि वो कौन है। संबंध तो अब तुम्हारा हमारे साथ नहीं रहेगा, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है और इस बार गवाह है सीआईडी। तो बेहतर यही होगा कि तुम अपना गुनाह कबूल करो। सर, जब मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं तो मैं कबूल कैसे करूं? हम गुनाह कैसे कबूल करवाते हैं तुम अच्छी तरह से जानते हो। विनीत, निखिल इसे ब्यूरो ले जाओ। सर चलिए। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए। सर, सर कहीं कुछ गलती हुई है सर? निखिल सर, मैंने तब भी कहा था और मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं वहां अपने दोस्त हितेश का पार्सल डिलीवर करने गया था बस, और सर यही सच है। चलो। सचिन, हेलीपैड पर जब विनीत ने हरि को ब्रीफकेस दिया था तब हरि ने विनीत को कोई एनवलप दिया, कहाँ है वो एनवलप? सर, हो सकता है वो एनवलप उसने हेलीपैड पे छुपा दिया हो सकता है, हो सकता है। उस हेलीपैड पर जाओ और ढूंढो उस एनवलप को, पता लगाओ क्या है उस एनवलप में। इस एरिया का चप्पा चप्पा छान मारा, एनवलप यही कहीं होना चाहिए। सर, सर, अरे ये देखिए सर, मिल गया। किसी को शूट किया, हाँ सर, लेकिन ये आदमी है कौन? फिर ये तो नहीं पता, लेकिन विनीत को खून करते हुए किसी ने देख लिया, ये फोटोज खींच के उसके खिलाफ सबूत तैयार किया है। हाँ सर, और वही आदमी विनीत को ब्लैकमेल कर रहा है, उसी ने इन फोटोज के बदले ड्रग्स मंगवाए विनीत से। नहीं निकल, ये नहीं हो सकता। विनीत एक ईमानदार सीआईडी ऑफिसर है, वो किसी का खून नहीं कर सकता, हर किस नहीं। सर, इन फोटोज में साफ दिख रहा है विनीत ने इस आदमी को शूट किया है। निखिल, ये भी तो हो सकता है कि कोई फंसाने की कोशिश कर रहा हो। सर, आप उसे बेगुनाह कैसे साबित करेंगे? निखिल, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा, जरूर होगा। कहाँ जा रहे निखिल? लाइट्स ऑन कर दो ना। नहीं निखिल, लाइट्स ऑन करोगे ना तो सिक्योरिटी गार्ड को शक हो जाएगा कि फॉरेंसिक में कोई है। एक काम करो, देखो वहां पे स्क्रीन है क्या, मैं प्रोजेक्टर लेके आता हूं। लगा जरा, सरे तो कोई जंगल जैसा लग रहा है। हाँ, चेंज करो जरा फोटो, दूसरा लगाओ देखे। ये क्या है? यहां पे कुछ दिखाई दे रहा है, ज़ूम करके देखते हैं। सर, ये देखो निखिल, जंगल के बीचों बीच ये पानी की टंकी है। सर, उस पे कुछ लिखा भी है। हाँ निखिल, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा है। जंगल के बीचों बीच जिस जगह पे विनीत ने उस आदमी को गोली मारी है, ये टंकी वहीं पे है। पर सर, सिर्फ पानी की टंकी से पता कैसे चलेगा कि जगह कहाँ पे है? हाँ निखिल, लेकिन पता तो हमें लगाना ही होगा ना। दूसरी फोटो लगाओ।
पे भी सिर्फ जंगल ही है और विनीत उस आदमी को गोली मार रहा है बस। एक मिनट, ये देखो निकल, यहाँ पत्तों के पीछे कुछ दिखाई दे रहा है। जूम करके देखते हैं। ये बिल्डिंग ही है, ये देखो ये बालकनी। जंगल के बीचों बीच बिल्डिंग कौन सी जगह हो सकती है ये? क्योंकि वेस्ट में तो कोई जंगल है नहीं, जंगल तो सिर्फ ईस्ट में ही है। गोरेगांव या बोरीवली कौन सी जगह हो सकती है? निर्माण कॉलोनी। निखिल, निर्माण कॉलोनी एक ऐसी जगह है जहां पे घना जंगल भी है और दूर बिल्डिंग्स भी दिखाई देती है। तो फिर देर किस बात की है? चलो सचिन, निखिल, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? सर वो हम लोग क्या, हम लोग ये फॉरेंसिक लैब है सचिन, यहाँ पर बिना मेरी इजाजत के आना मना है, तो तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? सर मैं वो सर मैंने सोचा कि तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं सर। क्या है तुम्हारी हाथ में, क्या है? विनीत के खिलाफ इतना बड़ा सबूत और तुम इसे मिटाने की कोशिश कर रहे थे? नहीं सर, मैं सबूत मिटाने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं तो कर रहा मिटा नहीं रहे थे तो कर क्या रहे थे? सर मैं तो सिर्फ मैं तो क्या, क्या फोटोग्राफ के पोस्टर्स बनाकर मुझे तोहफे में देने वाले थे? कहां से मिले फोटोग्राफ्स? सर हेलीपैड से। हेलीपैड से? सर विनीत जिस एनवेलप की बात कर रहा था, ये फोटोज उसी में से मिली। और तुम दोनों विनीत को बचाने की कोशिश कर रहे थे? नहीं सर, मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि शर्मानी चाहिए तुम्हें। सर मैं तो सिर्फ असलियत सामने लाने की कोशिश कर रहा था। वाह रे वाह, सुना साड़ुं के इंस्पेक्टर सचिन अब इतने होशियार हो गए कि उन्हें सीनियर ऑफिसर के गाइडेंस की जरूरत ही नहीं, अकेले केस सॉल्व कर रहे। क्यों? नहीं सर, सर ऐसा कुछ भी नहीं है। सर मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूँ सर, पर पूरे सीआईडी डिपार्टमेंट को दिलो जान से चाहता हूँ, लेकिन सर मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं कि विनीत दोषी है। सीआईडी में दिल नहीं, दिमाग से काम लिया जाता है, दिमाग से, समझे? और ये सारे फोटोग्राफ्स यही बताते हैं कि विनीत ही खूनी है। I'm sorry sir, I'm really sorry. सर मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज एक बार तो विनीत के एंगल से सोच के देखिए सर, प्लीज। बस बस करो, तुम्हारा है विनीत बचाओ पुराण, समझे? और तुम दोनों जाकर लाश को बरामद करो, और हां साथ में दया को भी लेकर जाओ। तुम दोनों पर से विश्वास उठ गया मेरा। वो जगह यहीं कहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ जंगल है और ये बीच बीच में बिल्डिंग्स भी दिख रहे हैं। सर मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि विनीत ने ऐसा काम किया होगा। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा निखिल, इतने समय से साथ में काम कर रहे हैं और जितना विश्वास मैं करता था उस पे, उतना ही विश्वास एसीपी साहब और अभिजीत भी करते हैं। एक मिनट, सचिन जरा गाड़ी रुको, जरा पीछे लो। ये देखो इस फोटो में जो जगह है, ये जगह ठीक वैसी ही है, ये सामने वाटर टैंक। अच्छा नीचे, और सर वो देखिए वो ब्राउन कलर की बिल्डिंग बिल्कुल वैसी जैसी इस फोटो में है।
इस फोटो के हिसाब से विनीत यहाँ पर खड़ा था इस टैंक के पास जब उसने गोली चलाई और वो आदमी यहाँ पर था। इसका मतलब है जब विनीत ने गोली चलाई तो आदमी यहीं कहीं आसपास गिरा होगा। पर सर विनीत ने लाश का क्या किया होगा? लाश को अपने साथ तो लेके नहीं गया होगा, या तो यहाँ जंगल में कहीं फेंक दिया होगा या फिर कहीं गाड़ दिया होगा। ढूंढो जरा, देखो। ढीली है, देखिए पैर धस रहा है। फिर खोदने का औजार लेकर चली। एक मिनट जरा हाथ से साफ करो। सर पहले फोटोग्राफ्स, अब ये डेड बॉडी। सर विनीत वाकई में एक खूनी है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसे फोटो प्रिंट्स करने की? सर आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ये तो मेरा बिजनेस है, रोजी रोटी है मेरी। खून और खूनियों के फोटो निकालना तुम्हारा बिजनेस है? खून? खूनी? नहीं नहीं सर, मैंने किसी के खून की फोटो नहीं निकाली सर। अच्छा तो फिर ये सब क्या है? ये अरे सर ये असली शूटिंग की फोटो थोड़ी है, ये तो फिल्म की शूटिंग की फोटो है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? असली शूटिंग और फिल्म की शूटिंग में फर्क समझ में नहीं आता? ये गन, ये लाश, ये सब नकली लगते तुम्हें? सच कह रहा हूँ सर, धंधे की कसम। सर मुझे सच में लगा ये किसी थ्रिलर फिल्म या कोई टीवी सीरियल की फिल्म की शूटिंग की स्टील है। सर यहाँ पास में कई बार फिल्म की और टीवी सीरियल की शूटिंग होती है सर, उसके फोटो के प्रिंट निकालने लोग यही मेरे स्टूडियो में आते हैं सर। जो आदमी ये फोटो प्रिंट करवाने आया था उसका नाम और पता बताओ। हाँ सर, एक मिनट। मिल गया सर, नाम उसका हितेश है और एड्रेस लिखा है सर लोखंडवाला अंधेरी। हितेश? सर ये हितेश वही तो नहीं जो विनीत का दोस्त है? मगर वो तो गायब है। गायब नहीं है फ्रेडी, छुप के बैठा है। इस चूहे को बिल से निकालना ही पड़ेगा। हितेश, इस वक्त कौन है? हितेश, लगता अंदर कोई नहीं है। सेठी अंदर ही है। दरवाजा तोड़ दूं? बात मत करो, तोड़ो। आखिरी बार कह रहा हूं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। मैं जिंदा हूं, मुझे गोली लगी। गोली तब लगती जब मैं तुझे मारता, हवा में फायर किया था, अभी मारो। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दिया सर। अगर बेकसूर हो तो हमें देखते ही भागने क्यों लगे? अरे सर मैं डर गया था सर,
मेरे को छोड़ दीजिए सर। चुप। इन हाथों से सिर्फ फोटो खींचनी नहीं आती है, हाथ जोड़कर ड्रामा करना भी आता है, चल बेरो चल, ले चलो सर। चल। बॉस, इस आदमी की ऑटोप्सी कर ली। इसकी मौत 2 दिन पहले हुई है, शाम को 3-4 बजे के आसपास। 2 दिन पहले? तो उस दिन रात को तो विनीत पकड़ा गया था हेलीपैड पर ड्रग का डील करते हुए। बताओ विनीत, कौन है ये जिसका तुमने खून किया है? हम सब तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं विनीत। कौन है ये आदमी? सर ये हितेश है। क्या तुम तो कह रहे थे हितेश तुम्हारा दोस्त? तो फिर ये हितेश कैसे हो सकता है? दोस्ती की छोड़ो, तुमने ही कहा था ना कि तुमने हितेश को क्लिनिक पे छोड़ा और फिर उसका काम करने के लिए हेलीपैड चले गए। ऐसे ही हुआ था सर। निखिल लेकर आओ। हाँ तो मैंने हितेश की मौत हुई शाम निर्माण मिल कॉलोनी में, उसी दिन रात को तुम पकड़े गए हेलीपैड पर, और जिस क्लिनिक में तुम हितेश को लेकर गए थे वो था एसजी रोड पर। यानी कि 3 अलग अलग जगह, ये कैसे मुमकिन है बेटी? सर मैं आपको बताना भूल गया था, मैंने हितेश को क्लिनिक पर दोपहर को छोड़ा था। मतलब पहले तुम हितेश को क्लिनिक ले गए, फिर वहां से शाम को निर्माण मिल कॉलोनी में लेकर आए जहां पर तुमने इसका खून किया, और फिर उसी रात हेलीपैड पर जाकर ड्रग का डील किया। यार विवेक ये क्या तमाशा लगा रखा है? गाड़ी मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैंने क्या किया है? कौन हो तुम? सर मेरा नाम हितेश है, विनीत का दोस्त। हितेश यानी विनीत के दोस्त? हाँ सर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम मेरे दोस्त कैसे हो सकते हो? मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। कमाल है, विनीत अपने बचपन के दोस्त को पहचाने से इनकार कर रहा है, और क्यों? मेरे बचपन का दोस्त ये है हितेश। ये झूठ बोला सर, मैं ही हितेश हूँ। अगर तुम हितेश हो तो फिर बताओ ये कौन है? सर मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जानता हूँ, ये है हितेश मेरा दोस्त, तुम नहीं। बस हो गया तुम्हारा नाटक। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ही हितेश हूँ सर। नागपुर से आया था सर, और 4 दिन से इनके घर पे ठहरा था। सर मुझे लगता है कि ये सही कह रहा है, यही हितेश है। हितेश? यस सर। तुम निर्दोष हो, तुम जा सकते हो, मगर विनीत जब तक तुम सच नहीं बताते तुम यहीं पर रहोगे हमारी कस्टडी में। सर बड़ी मछली को फंसाने के लिए छोटी मछली को काटा बना दिया। दया असली दांत तो साड़ूखे की देनी चाहिए, तो उसने सही वक्त पे झूठ से पर्दा हटा दिया। एसीपी साहब क्या हुआ? साड़ूखे चिल्लाता क्यों है? अरे सुनोगे तो झटका खा जाओगे। बस क्या मतलब, क्या मिला तुझे? निखिल विनीत को लेकर। अबे बताता क्यों नहीं, क्या हुआ? बता रहा हूं, ये जो विनीत के फोटोग्राफ्स है ना, ये फोटोग्राफ्स मैंने दोबारा से माइन्यूटली अच्छी तरह से चेक किए। तो फिर पता ये चला है कि जो विनीत है ये विनीत नहीं है। तो क्या बकवास कर रहा है साळुंखे? ये विनीत है ना? ये विनीत नहीं है। अरे तो अगर ये विनीत नहीं है तो फिर है कौन? ये जो कोई भी है उसने विनीत का फोटोग्राफ यहां पर चिपकाया है, पेस्ट किया है बहुत होशियारी के साथ फोटोशॉप से। क्या? तो फिर इसका मतलब है विनीत खून तुमने नहीं किया है, किसी और ने, जो तुम्हें फंसाना चाहता है। सर ना तो मैंने ये खून किया है
और ना ही मैं किसी ट्रक पैडलिंग में शामिल हूं सर। मैं तो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा था सर। किसी ने मुझे फंसाया है सर। मगर है कौन ये? है कौन जो तुम्हें फंसाना चाहता है? और फिर क्यों क्यों फंसाना चाहता है ये मैं नहीं जानता सर। एक और बात पता चली है बस। क्या? इन फोटोग्राफ्स में विनीत जिस आदमी को मार रहा है, मैंने इस आदमी के फिंगरप्रिंट्स क्रिमिनल रिकॉर्ड में टैली किए हैं। तो इस आदमी के फिंगरप्रिंट भूषण, ड्रग पेडलर भूषण के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच होते हैं। क्या? भूषण ड्रग पेडलर? वो जो फोटोग्राफ्स लेकर आया था वो हरी। इसका मतलब है ये हरी और भूषण दोनों इस प्लान में मिले हुए हैं। मगर कोई तीसरा भी है, तीसरा इस सारे प्लान का मास्टरमाइंड। और उस तीसरे ने इस भूषण को मारा है बॉस, ताकि कोई गवाह और सबूत बचे ही नहीं। हाँ सड़ुंखे, हाँ। अरे है कौन तीसरा? सर ये जो कोई भी है मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। हाँ लेकिन सिर्फ तुम्हें ही नहीं, उसने हमें भी छेड़ा है, सीआईडी वालों को। सॉरी विनीत, हमने खामखा तुम पे शक किया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे। फिलिप, जिसने भी ये किया है ना, उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए तुम्हें एक नाटक करना पड़ेगा। एक नाटक। चलो चलो चलो। सर रिक्शा में ये इस तरफ जा कहाँ रहा है? दया लगता है ये जरूर अपने साथीदारों से मिलने या फिर अपने बॉस से मिलने जा रहा है। ये सब ये अकेले नहीं कर सकता। क्या कर रहे हैं? तैयारी। तैयारी? कैसी तैयारी? जान बचाने की। जान बचाने की मतलब? सीआईडी ने तुझे अरेस्ट किया था ना? हाँ। तो फिर छोड़ क्यों दिया? मैंने वहां जाके ऐसा नाटक किया उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और वो मेरे झांसे में आ गए। अच्छा, मगर एक बात मुझे समझ में नहीं आई। ओके। उस विनीत ने मुझे पहचानने से इनकार किया और बार बार उस भूषण को हितेश कह रहा था। फिर क्या होना था? थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मुझे कहा जाओ, छोड़ दिया।
ये क्या कर रहा है? सीआईडी ने तो तुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरा दोस्त यार। दोस्ती का तोहफा ही तो दे रहा हूं मेरे दोस्त, मौत। मौत? मगर किस लिए? मेरे साथ इतना साथ दिया यार। सीआईडी वाले बड़े चालाक है, इतनी आसानी से तुझे छोड़ दिया? ना, ये उनकी चाल थी चाल। अब तेरी वजह से हम दोनों पकड़े जाएंगे और हमें फांसी होगी, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। देख मैं तेरा दोस्त, और मेरे जिंदा रहने के लिए तेरा मरना जरूरी है। करुण, करुण, क्या कर रहे यार? मुरली, हितेश, अब तू बच के नहीं जा सकता। देख वरुण, मैं तो दोस्त यार। तुम कौन हो? सर मैं वरुण, विनीत का दोस्त। नहीं, आगे मत बढ़ना। मैं खुद को गोली मार दूंगा। नहीं, रुक जाओ, रुको, आगे मत बढ़ना। वरुण, बेवकूफी मत करना। अपनी गन नीचे करो, गन नीचे करो। नहीं नहीं, रुको, मैं सच कह रहा हूं, मैं खुद को गोली मार दूंगा, रुको। देखो वरुण, एक बार गुनाह कर चुके हो, दूसरा गुनाह मत करना। आत्महत्या करना बहुत बड़ा जुर्म है। लाओ अपनी गन मुझे दे दो। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, तुम वहीं रुक जाओ। मैं सच कह रहा हूं, मैं खुद को गोली मार दूंगा। अच्छा ठीक है, तो कोई कुछ नहीं करेगा। ये देखो, ये मैं अपनी गन नीचे रखता हूं। हम सब गन नीचे रखते हैं। नहीं, मुझे पता आप लोग सब झूठ बोल रहे हो, मुझे फांसी होगी। नहीं वरुण, विश्वास करो। रुक जाओ, मुझे पता। उठ, अब देगा तू सारे सवालों के जवाब। विनीत ने गलती की थी और मैं उसको सजा देना चाहता था। कैसी गलती? मेरी बहन ने आके प्यार को ठुकराने की गलती। क्या? लेकिन मैं तो नेहा से प्यार नहीं करता था। लेकिन नेहा तो तुमसे प्यार करती थी ना। तुम्हारे प्यार के लिए उसने अपना कॉलेज छोड़ा, तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन ली, तुम्हारे दोस्तों को अपना दोस्त बनाया, और बदले में उसको क्या मिला? मौत। क्या? नेहा मर चुकी? हाँ, तुम्हारे गम में उसने ड्रग्स लेने शुरू कर दिए और ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन मैंने तो नेहा से साफ साफ कह दिया था कि वो सिर्फ मेरी दोस्त है, सिर्फ दोस्त। सुना तुम्हारे दोस्त विनीत ने क्या कहा? तुम्हारी बहन तो उसकी सिर्फ दोस्त थी, दोस्त। दोस्ती के आड़ में षड्यंत्र रचा तुमने, हितेश की बीमारी का नाटक किया, यहां तक कि तुमने सिरिंज पे विनीत का खून भी लगा दिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि तुमने सिरिंज पे विनीत का खून कैसे लगाया? मैंने विनीत के ड्रॉर में ब्लेड रख दिया था, जैसे विनीत ने ड्रॉर में हाथ डाला उसकी उंगली कट गई, और फिर विनीत को बैंडेज लगाने के बाद और ब्लेड पे लगे खून को मैंने सिरिंज पे लगा दिया। तो फिर सिरिंज में ड्रग्स मिला थी। यही होशियारी अगर किसी अच्छे काम में लगाते तो शायद तुम दोनों की जिंदगी सुधर जाती, मगर नहीं, अपने एक दोस्त भूषण का खून कर दिया, एक ईमानदार सीआईडी ऑफिसर विनीत, उसको बदनाम करने की कोशिश की। बहुत गलत किया तुम दोनों ने, बहुत गलत। इस गलती की कड़ी से कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी तुम।